सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आज बताने जा रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए एग्जामिनेशन हॉल में। जब हम हमारे एग्ज़ाम्स करीब आ जाते हैं तो हमको थोड़ी सी टेंशन इस बात की होने लगती है कि हम बेवजह की चिंताएं करने लगते हैं। हमारे टॉपिक्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर होते हैं लेकिन फिर भी हम जाने क्या क्या सोचते रहते हैं अपने एग्जामिनेशन के बारे में। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि आप एग्जामिनेशन से डरते हैं। इसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं आपके सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट क्लियर भी होते हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती है, लेकिन आप उसको उतना एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाते जितना अच्छा परफॉर्मेंस आपने अपने सभी टेस्ट पेपर्स में दिया होता है। बिकॉज जो एग्जामिनेशन रूम का जो वातावरण होता है वो अलग ही वातावरण होता है, उससे कैसे निपटा जाए वो ही इस वीडियो का टॉपिक है। तो दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हमको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है हम जो क्वेश्चंस तैयार करते हैं उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से हम प्रिपेयर करें, वो तो हमारा फ़र्ज़ है ही। उसके बाद हम उसको लिमिटेड टाइम में 100% एक्यूरेसी के साथ उसको कॉपी पर प्रेजेंट कर सकें, वो चीज़ हमारे लिए मायने रखती है। उसके बाद जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ के माहौल के हिसाब से हमको ये करना पड़ता है कि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जितने क्वेश्चंस दिए हैं उनके हिसाब से आप अपना हिसाब लगा लें, अपनी जुगाड़ लगा लें कि किस हिसाब से हमको किस क्वेश्चंस पे कितना टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन पर आप ज़्यादा टाइम दे दें, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आप थोड़ा ही टाइम आपके पास बचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसी का नाम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप मॉक पेपर सॉल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशन से पहले, और आप जब मॉक टेस्ट या मॉक एग्जामिनेशन पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करें तो बिल्कुल आप एग्जामिनेशन हॉल के जैसे माहौल में सॉल्व करें। आप ये सोचकर एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करें कि मैं एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ, और आप रियल में जितने थ्री आवर्स का होता है एग्ज़ाम तो आप उतने ही टाइम में सीट टेबल एंड चेयर पे अपना एग्जामिनेशन करें, यानी कि टेस्ट दें जिस हिसाब से आप एग्जामिनेशन हॉल में देंगे। तो इससे क्या होगा गाइज, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में हमको कैसे करना है। इसी से आप 100% एक्यूरेसी के साथ आप अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और ज़रूर आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर दें, जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन करीब आते जाएँ वैसे वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक सॉल्व करने की कोशिश करें। आप ज़्यादा मॉक सॉल्व करेंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और आप 100% एक्यूरेसी भी प्राप्त कर सकते हैं और उतने लिमिटेड टाइम में। यहाँ पे इम्पोर्टेंस है टाइम की। आप जितना टाइम आपको एक क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए मिलता है उसमें आपके सभी क्वेश्चंस सही प्रेजेंटेशन के साथ हल हो जाने चाहिए, यही मेरे इस वीडियो का मोटिव है। इससे आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो 100% होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का खासा ख्याल रखना है और लिमिटेड टाइम में आप क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें, आप मॉक पेपर सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। एग्जामिनेशन हॉल के एनवायरनमेंट जैसा ही एनवायरनमेंट बनाएं अपने टेबल चेयर पे और उसी तरह से एग्ज़ाम दें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। ये वीडियो था
मेरा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि किस तरह से हम एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट करें, यानी कि लिमिटेड टाइम में हम सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और सभी क्वेश्चन को सही से 100% एक्यूरेसी के साथ उसको एग्जाम बुक पर प्रेजेंट करें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आपकी इस वीडियो ने कुछ भी ज़रा सी भी हेल्प की हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर ना अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर डिसलाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू एंड गुड लक फॉर द एग्जामिनेशंस।